क्या आपका बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनि देव। उसके एक बार धारण करने के पश्चात उसे केवल 3.75 साल तक धारण किया जा सकता है। उसके पश्चात आपको एक नया रतन, नई रूबी पहननी पड़ेगी। चंद्रमा के मोती की धारण करने की जो अवधि है वह 2 साल की है। उसके पश्चात आपको नया मोती की नई अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करवा कर धारण करनी पड़ेगी। मंगल का जो मूंगा है उसकी आयु भी 3.25 वर्ष की है। उसके पश्चात आपको पुनः, अगर आपको पहनने की ज़रूरत है तो आपको उसे पुनः मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा कराकर धारण करनी पड़ेगी। बुद्ध के पन्ना की आयु भी 3.75 साल है। उसके पश्चात आपको पुनः एक नई रिंग बनवाकर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करवाकर धारण करनी पड़ेगी। इसी प्रकार बृहस्पति, शुक्र, शनि यानी इनके येलो सफायर यानी पुखराज, हीरा या नीलम की आयु भी 3 वर्ष है। राहु के गोमेद की आयु भी 3 वर्ष प्लस है और केतु के लिए जो लहसनिया पहना जाता है उसकी आयु भी 3 वर्ष के आसपास ही है। तो इन सब को उसके पश्चात दोबारा से नई अंगूठी बनवाकर, नया नग खरीदकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मन सिद्धि करवाकर पहनने का प्रावधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। और तभी यह आपको अभीष्ट फल देने में, मन वांछित फल देने में समर्थ होती हैं। जय शनि देव। गुरु जी द्वारा मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित जेम रिंग्स, अंगूठियां और रत्नों की अंगूठियां पूरे विश्व में 133 देशों में भेजी जाती हैं। यदि आप भी जेम रिंग्स धारण करना चाहते हैं जो कि गुरु जी द्वारा मंत्र सिद्ध हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, हमें अपने लड़के के बारे में जानना था। कितने वर्ष का बच्चा है? लड़के की उम्र है 23 साल। हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और नौकरी के बारे में जानना था। देखिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता और नौकरी, ये दोनों व्यवस्थाएं वो जन्म कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात ही हम आपको बता सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको या तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से या स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उनके माध्यम से हमसे संपर्क करके जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसकी, बिना जन्म कुंडली देखे हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। फिर भी आपको धन कमाने का एक रास्ता उस बच्चे के लिए हम खोल देते हैं। वो माता महालक्ष्मी के जो मंत्र का जाप किया करें, एक माला नित्य कम से कम। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमली कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम मां महालक्ष्मी नमः। यह वह मंत्र है जिससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अंततः आपका बच्चा चाहे स्टडी करे या नौकरी करे, कमाना तो उसने धन ही है, धन और मान सम्मान कमाना है, तो उसके लिए इससे बेहतरीन मंत्र जाप कोई हो ही नहीं सकता। तो आप
तब तक के लिए जब तक आप जन्म कुंडली हमें नहीं दिखा पाते इस मंत्र का प्रयोग अपने बेटे से करा सकते हैं। जय शनिदेव। अगर आप भी समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आप भी मेरी ही तरह गुरु रजनीश ऋषि जी के साथ धर्म और ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं। इस ज्ञान चर्चा को करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे या गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब गुरु जी से जानते हैं कि गुरु जी, यदि कोई व्यक्ति सीधा किसी ज्वेलर शॉप पे, किसी दुकान पे जाए और वहां से एक रत्न मुद्रिका, एक जेम रिंग बनवाए और उसे धारण कर ले, तो क्या उससे उसे लाभ होगा? देवी रुक्मणी, ऐसी मंत्र सिद्ध किए बिना किसी अंगूठी को पहनना उसे कोई लाभ नहीं देने वाला है। दुकान, जो ज्वेलर की दुकान जहां से वह अंगूठी खरीद रहा है, ना तो उसे ये पता कि इस नग में क्या दोष है, इस जेम में, इस रतन में क्या दोष है, ये टूटा फूटा तो नहीं है, इसके कोने तो नहीं चटके हुए, क्योंकि अंगूठी में जड़ने के बाद तो वह दिखाई नहीं देगा कि इसका कौन सा हिस्सा चटका हुआ हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता है, या इसमें कौन कौन से दोष हैं। उन दोषों का शमन करना और उस अंगूठी को मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐसी कोई मुद्रिका या अंगूठी जो आप जेम स्टोर से या ज्वेलर की शॉप से खरीदते हैं, आपके लिए किसी प्रकार से फलदायी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को देखा है वो हीरे की अंगूठी पहने तो वो फैंसी रिंग्स कहलाती हैं, वह आपको अपना फल देने में समर्थ नहीं होती और ना ऐसी रिंग पहनने के बाद पश्चात आपको किसी फल की उम्मीद करनी चाहिए। जय शनिदेव जी। तो इन रिंग्स को किस प्रकार से मंत्र सिद्ध किया जाता है? देखिए, यह एक गोपनीय विधान है, मंत्र विद्या है, प्राण प्रतिष्ठा की विद्या है, जिसे योग्य और विद्वान ब्राह्मण गण अवश्य जानते हैं। उस प्रॉपर तरीके से भजन पूजन अर्चना करके मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित इस मुद्रिकाओं को किया जाता है और इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं होता कि आपने 500 अंगूठियाँ ली, जैसे कि हमारे टीवी शो में उपलब्ध होती हैं कि लोगों को टीवी शो में हम देख रहे हैं कि 5000 अंगूठियाँ या 10000 अंगूठियाँ वो एक साथ बनवा लेते हैं और बस ऐसे ही भेज देते हैं, और वो जो 100-200 रुपए की अंगूठी या 50-100 रुपए वाली अंगूठियां हैं कॉमर्शलाइजेशन करके जो बनती हैं, और उसको वो 4-4, 4.5-4 हज़ार रुपए में अंगूठियां या लॉकेट वगैरह पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, उनसे कभी किसी को, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है कि जिसने कहा हो कि इस अंगूठी को पहना था, वहां से मंगवाई थी, जब टीवी एक्टर को देख के या टीवी एक्ट्रेस को देख के या फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देख के मैंने ये अंगूठी मार्केटिंग करते हुए खरीदी थी और उससे मुझे ये फायदा हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक हमारी लाइफ में नहीं आया है। तो हम इस बारे में तो इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी किसी अंगूठी से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। जब भी आप लें, स्पेशली एक अंगूठी बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनती है और आप ही के साइज की बनती है। उसको पहनने से निश्चित रूप से, अगर वो मंत्र सिद्ध है, प्राण प्रतिष्ठित है, उसका रतन टूटा फूटा नहीं है, उसके अंदर कम से कम दोष है, क्योंकि हर रतन में दोष अवश्य होते हैं, और उस दोषों का मंत्रों के साथ समाधान किया गया है, तभी वह रतन मुद्रिका आपको फायदा देने में समर्थ होती है। जय शनिदेव। लेकिन गुरु जी, बहुत से मंदिर के पुजारियों द्वारा ये कहा जाता है कि कच्ची लस्सी में धो करके आप रिंग को पहन ले और ये आपको फायदा करेगी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम पंडित जी के पास गए थे, हम मंदिर गए थे, मंदिर में हम अपनी आप अंगूठी बनवा ली थी रतन लेके, और हमने मंदिर में पंडित जी को बोला, पंडित जी से पूजा कर दीजिए इस अंगूठी की। पंडित जी ने कहा, कुछ केसेस में तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, वो भगवान जी के चरणों में ले जाते हैं, तंबाकू वाले मुँह से 2-5 मिनट घुमाते रहते हैं धूप बत्ती के आगे और दे देते हैं, ये लो जी हो गई। कुछ केसेज में जो पंडित जी इन चीज़ों से, जो ब्राह्मण इन चीज़ों से बचना चाहता है, उसे जिसे नहीं आता वो बचना चाहता है, वो कहता है ठीक है, कच्ची लस्सी में धोकर पूजा कर लेना और पहन लेना, हो जाएगा। ना कोई मुहूर्त है, ना कोई समय है, ना कोई मंत्र है, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा है, तो फिर फायदा कैसे देगी? 100 में से 80-90 केसेज इसी तरह के होते हैं, जो कहते हैं हमने अंगूठी भी पहन रखी है, आप भी पन्ना बता रहे हैं, पन्ना हमने पहन रखा है और पंडित जी से पूजा भी करा ली थी, फ़ायदा नहीं हो रहा।
तो उसका फायदा ना होने का कारण यही है। अगर आप भी ऐसी कोई मुद्रिका पहने हुए हैं जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आप उसे अविलंब उतार कर एक नई मुद्रिका प्राण प्रतिष्ठित करवा कर, मंत्र सिद्ध करवा कर पहने, निश्चित रूप से यह आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगी। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, आज के इस समागम को हम यहीं विश्राम करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय। आप सभी से विदा ले रहे हैं। जय शनिदेव। जय। इज योर डेस्टिनी अनफेवरेबल टू यू? आर द स्टार्स नॉट सपोर्टिंग यू? इज बैड लक होवरिंग ओवर यू? सो कॉन्टैक्ट हिज होलीनेस गुरु रजनीश ऋषि राइट अवे एट शनि टेम्पल। Get astrological solutions for all your problems. Guruji is blessing people from more than 133 countries with his spiritual powers. Experience a mystical change in your life.